कंगना रनौत और राजकुमार राव की फिल्म जजमेंटल है क्या जल्द ही रिलीज होने वाली है, लेकिन रिलीज से पहले ही कंगना की इस फिल्म का फर्स्ट रिव्यू सामने आ गया है। दरअसल हाल ही में फिल्म जजमेंटल है क्या की स्क्रीनिंग रखी गई थी। इस दौरान कई लोगों ने ये फिल्म देखी और डायरेक्टर अश्वनी अय्यर तिवारी, कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा और कंगना की बहन रंगोली ने जजमेंटल है क्या पर अपना फर्स्ट रिव्यू दे डाला है। डायरेक्टर अश्वनी अय्यर तिवारी ने कहा, जब दो शानदार अभिनेता एक साथ काम करते हैं तो कुछ मैजिकल होता है, कुछ अलग करने की हिम्मत, टूटते हैं कई नियम। राजकुमार राव कंगना रनौत की फिल्म एक ट्रीट है। एकता कपूर, कर्णिका ढिल्लन, प्रकाश कोविलामुडी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। वहीं कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने लिखा, जजमेंटल है क्या सुपर क्रेजी फिल्म है, कंगना ने कमाल कर दिया है, उन्हें पता है कि कैसे किरदार करने हैं, राजकुमार राव बहुत खास है, फिल्म जरूर देखें आप सब। इसके अलावा कंगना की बहन रंगोली ने कहा, मुझे लगा था कि कंगना रानी लक्ष्मीबाई के किरदार को परफॉर्म नहीं कर सकेंगी, लेकिन मैं गलत थी। ठीक वैसे ही कंगना की आखिरी परफॉर्मेंस की तरह बॉबी शानदार है। तो देखा आपने, कंगना और राजकुमार राव का फर्स्ट रिव्यू बेहद ही शानदार है। बता दें कि ये फिल्म 26 जुलाई को रिलीज हो रही है। इस फिल्म की टक्कर कृति सेनन और दिलजीत दोसांझ की फिल्म अर्जुन पटियाला से होगी। बस देखने वाली बात तो अब यह है कि प्रकाश कोविलामुडी के डायरेक्शन में बनी जजमेंटल है क्या बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ों का बिजनेस करती है। वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक तो मतलब जिन्होंने देखी है और मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ, देखता हूँ जाके। हाँ, यार दोनों की, आई थिंक दोनों कमाल के कलाकार हैं, तो मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकता। आई थिंक दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। यार है, बट ठीक है यार, मतलब अभी मैं उस मूड में नहीं हूँ, मैं तो फिल्म देख के बस अपना निकल जाऊँगा। यार सोचता तो बड़ा कुछ हूँ, उसके लिए मुझे बड़ा समय चाहिए अभी तो। हाँ ठीक है यार, अगर इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए तो अच्छा है। वो तो बहुत कुछ रहा है देश में, किसी एक चीज़ को मैं नहीं पिक करना चाहूँगा। आई थिंक बहुत सी चीज़ें हम सबको मिल के इम्प्रूव करनी, किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते। थैंक यू। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आई लव द ट्रेलर एंड आई जस्ट कांट वेट टू वॉच द फिल्म। बहुत ही सही लगा यार, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग ट्रेलर्स ऑफ दिस ईयर। एंड तभी आई थिंक जब मैंने ट्रेलर देखा था तभी आई वॉज सो एक्साइटेड। आई थिंक आई वॉच द ट्रेलर वो टू थ्री टाइम्स एंड देन उसके बाद मैंने बोला आई नीड टू वॉच दिस फिल्म, सो आई कांट वेट टू सी इट। Like both are so amazing. I love Kangana, I love Rajkumar. So let's see what they've done. अभी मैंने शूट ख़त्म की है अंग्रेजी मीडियम के एंड विद इरफान सर एंड करीना मैम, सो इट वॉज रियली नाइस, इट वॉज सो एक्सपीरियंस वॉज रियली अमेजिंग एंड आई जस्ट कांट वेट टू शो यू गाइज हाउ इट हैज़ कम आउट एंड यू नो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट। आप क्या मानती हैं कि हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग बढ़ती
यार मैं मूवी देख रहा हूँ फिर उसके बाद ये सब कर लेंगे, मूवी के बारे में पूछ लेना। हाँ जी एंड रियली ये ट्रस्ट मेरी मिस होने वाली है, बस आके तेरे साथ मैं प्राइवेट इंटरव्यू करूँ। I'm very excited because I'm also in it. So it's gonna be fun. I mean, I hope you guys like the trailer. And yeah, I mean, it's gonna be a nice little mystery. Okay, only few days, it's day after. Oh, thank you, good. I don't know, I feel good. I'm reading that it's gonna open well, so I'm hoping for that. And I guess this film's really gonna work on word of mouth as well, because I feel like if the audience enjoys it, then I mean, who wouldn't want to watch it, right? Okay, after a very long time, Raj and it's coming after a long time. So how excited are you to see the jodi? I mean, I think this time, because they're not paired with each other, they're actually Kangana versus Raj. So I feel like it's going to be even more exciting because you've got two brilliant actors, and when that happens, it's just, it's going to be phenomenal. Okay, दोनों के यार, हाउ कैन यू आस्क मी टू चूज। ओके अपार्ट फ्रॉम दिस यू आर अगेन वर्किंग विद राज इन मेड इन चाइना। या डू यू फील लकी बिकॉज़ आई डेफिनेटली आई मीन ही इज वन ऑफ आवर बेस्ट एक्टर्स, आई थिंक यू गाइस आल्सो नो दैट। सो आई थिंक दिस वन आई एम एक्चुअली प्लेइंग हिज लव इंटरेस्ट एंड देयर आई एम नॉट, सो देयर इज नो सॉर्ट ऑफ रोमांस इन दैट मूवी, सो इट्स इवन बेटर बिकॉज़ हियर यू गेट टू लाइक एक्सप्लोर टू डिफरेंट थिंग्स, यू नो। I have heard about it. I have been following it. Because today only the film fundamentally have from past and Atlanta, but then many celebrity have signed, including Shah Rukh Khan. So do you agree or do you also like to join them? I mean, I would definitely love to join them. I'm not very good at politics, but I have been following the mob lynching. And I mean, in a country where our population is so big, where there's so many people, we can't have this keep, like, you know, happening, and it can't go on like this. And you can't use religion as a way to defend it, for sure. Thank you. I'm there. Hello,
यहीं पर चलो 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 चलो।